अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी न्यूज जी में। दोस्तों आज 18 मई बरोज सोमवार 2020 पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से यानी कराची ज्वेलर एसोसिएशन में सोने की फी तोला और 10 ग्राम सोने की क्या कीमतें चल रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकूं। तो वीडियो की तफसील में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जी न्यूज जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपको एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी सुनाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज पाकिस्तान में सोना फिर से सस्ता हुआ, वो भी इतना सस्ता कि नई कीमत जानकर आप बेहद खुश होंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज पाकिस्तान में तकरीबन तमाम दुकानें मार्केट खुल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट भी जरूर खुलेगी। तो फिर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। दोस्तों आपको याद करवा दें कि कल पाकिस्तान में सोना महंगा हुआ था, लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान में सोना फिर से सस्ता हुआ, जबकि आज आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $14 जबकि मुल्क की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 643 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 545 रुपए की एक बार फिर कमी वाकया हुई। जबकि मीडिया न्यूज के मुताबिक आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $14 कमी से आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,730 की सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद मुल्क की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज एक बार फिर कमी देखने को मिली। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा के सराफा मार्केटों में भी फी तोला सोने की कीमत में 643 रुपए कमी होने के बाद फी तोला सोने की नई कीमत 95,056 रुपए की सतह पर पहुंच गई और 10 ग्राम सोने की कीमत में 545 रुपए कमी होने के बाद 10 ग्राम सोने की नई कीमत 81,496 रुपए की सतह पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत आज भी बगैर किसी इजाफे के 1,000 रुपए और 900 रुपए में फरोख्त हो रही है।